व्यूवर्स, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर असमा साहिबा मौजूद हैं. आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि एज ए फ्रेंड इन्होंने डॉक्टर हारून का कैसा पाया. जी मैम, कैसी हैं? जी अस्सलाम वालेकुम. जी मैं कैसी हूँ? बिल्कुल ठीक हूँ, बट थोड़ी सी सैड भी हूँ और खुश भी हूँ. आज डॉक्टर हारून का जो इवेंट था, आई थिंक इट शुड हैव बीन लॉन्ग टाइम बैक कि ये इवेंट होता. डॉक्टर हारून से ना सिर्फ मेरी दोस्ती है और प्रोफेशनली ही इज़ माई मेंटोर, प्लस ही इज़ अ डॉक्टर फॉर माई ब्रदर ऑल्सो फॉर 1994 से. तो हर एस्पेक्ट से जो डॉक्टर हारून की शख्सियत है उसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि एक, जैसे कि सब स्पीकर्स ने बोला कि एक दफ़ा जो उनसे मिल लेता था वो उनका दोस्त हो जाता था. और मैंने उनमें लालच नहीं देखा, इतनी एम्पथी है उस शख्स में, इतना कूल माइंडेड आदमी है कि आप फ्रेंड नहीं भी हो तो आप उनके फ्रेंड हैं, अगर आप उनके पेशेंट भी हैं तो आप उनके फ्रेंड हैं, आप काम भी कर रहे हैं तो फ्रेंड हैं. तो आई थिंक इट वॉज़ वेल डिज़र्व. बट इट अगर थोड़े साल पहले होता जब वो बेहतर होते तो बहुत ज़्यादा खुशी होती. बट स्टिल पाकिस्तान में इस चीज़ को अप्रिशिएट किया गया, ये मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है, इसकी कितनी अहमियत है ये लोगों को समझना चाहिए. लोग एक्सेप्ट नहीं करते मेंटल इलनेस को, उसमें शर्म महसूस करते हैं, ये करना नहीं चाहिए. तो एक इनका बड़ा रोल है हमारे मुल्क के अंदर. मैम मेरा ख्याल है कि लोग शर्म महसूस करने के साथ साथ, एक तो हमारे मुआशरे के रुझान ही ऐसा है, हमारे यहाँ वो एक जो कॉन्सेप्ट है कि जादू तो वो करने के, आप चले जाएं किसी से जिन उतारने वाले के पास चले गए, किसी को अब मेंटल प्रॉब्लम का पता ही नहीं है कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, तो ट्रीटमेंट की तरफ तो बहुत बाद में जाएंगे. मानते कि इसको बंदे को कोई प्रॉब्लम है, हालांकि मेंटल इलनेस जो होती है वो पैथोलॉजिकल भी होती है, ये मुझे डॉक्टर हारून के साथ रह के पता चला. वरना हम सिर्फ ये समझते हैं कि ये साइकोलॉजिकल है, वो नहीं होती है. इट्स पैथोलॉजिकल, योर हार्मोनल चेंज, और इसकी दवाई जब तक नहीं होगी तो ये पेशेंट ठीक नहीं होते हैं. बट ये हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं है, शर्म है, लोग तावीज़ घंटे में चले जाते हैं, जबकि ये हमें ट्रीट करनी चाहिए इलनेस. मैम डॉक्टर साहब को जो सारा वक्त ज़हनी मरीज़ों के साथ रहते हैं, एज ए फ्रेंड कैसा पाया? एक इंसान जो हर वक्त लोगों के ज़हनी प्रॉब्लम सुनता रहता है, जब आप उनके पास जाती हैं एज ए फ्रेंड तो उनका बिहेवियर कैसा होता है? जी एज ए फ्रेंड तो मैं कहती हूँ कि उनसे ज़्यादा अच्छा मैंने इंसान नहीं देखा. इतने रहम दिल, काइंड, और गरीबों के साथ जो उनका सलूक है वो भी एक बयान करने की चीज़ है. मैं उनके क्लिनिक में जाती थी, पूरे पाकिस्तान से पेशेंट्स आते थे, उनमें लालच बिल्कुल नहीं है. ऐसा इंसान आपको कम मिलेगा कि जिसको लालच नहीं हो, फीस का कुछ नहीं. और ये एक चीज़ है जो आपको एज अ प्रोफेशन, एज अ फ्रेंड कामयाब करती है. अगर आपके जहन में लालच आ जाता है तो आप अपने प्रोफेशन में कामयाब नहीं होते. तो ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आप कह सकते हैं क्वालिटी है हारून साहब की, डॉक्टर हारून की, कि उनमें लालच नहीं था और उन्होंने सेल्फलेसली लोगों के लिए काम किया है, इस मुल्क के लिए काम किया है. उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है हमारे मुल्क में, हम सब की लाइफ में. अल्लाह उनको ज़िंदगी दे. आमीन. थैंक यू सो मच मैम, आपने अपने खूबसूरत ख्यालात का इजहार किया. थैंक यू सो मच. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.